हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब कोई भाई घर पे तो है ना? घर पे ध्यान रख रहे हैं अपना और अपने परिवार का, क्योंकि तो ये कोरोना का कोई भरोसा नहीं है। आप लाइट मत हो जाना और पूरा पूरा ध्यान अपना रखना है आपको। एंड फ्रेंड्स, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, नॉट टू वरी, बिकॉज टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश। सो गाइज, अंडरस्टैंड इंग्लिश विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड वॉट वी आर टॉकिंग। और जो हिंदी समझते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा, बिकॉज हम तो हिंदी में ज्यादा बात करना प्रिफर करते हैं। सो दोस्तों, फेस टू फेस सीरीज वापस आ गया है, इसके बारे में खबर तो लगी गई होगी। और हमने रिसेंटली एक वीडियो भी लाइव किया था फेस टू फेस का, एक नए अवतार में आया है और उसको हम कह रहे हैं ई फेस टू फेस। नाम से आपको समझ में आ गया होगा। तो ई फेस टू फेस इज व्हेन आई कांट मीट पीपल फिजिकली फेस टू फेस बिकॉज ऑफ दिस कोरोना स्केयर, एंड आई डोंट नो कि ये कब तक चलेगा। तो मुझे लगा कि यार मैं इलेक्ट्रॉनिकली तो सबसे कनेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ इंडिया में कितने लोग हैं जिनसे बात करनी है, जिनसे सीखना है। मेरे अंदर तो इतना आग लगा हुआ है, मैं बता नहीं सकता हूँ सीखने की। और मैं जितने लोगों से बात करता जा रहा हूँ उतना सीखता जा रहा हूँ। और तकरीबन मैंने 20 फेस टू फेस रिकॉर्ड कर लिए हैं और ये 20 दोस्त मेरे बन गए, और ये मुझे इतना सिखा रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो सोचता हूँ कि थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, उसी का आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन टुडे। एज यू नो, फाइनेंशियल मार्केट स्पेशली द इंडियन इक्विटी मार्केट हैज ग्रोन इन लास्ट 10 ईयर्स बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में ट्रांजेक्शन टैक्स कॉस्ट कम है, ऑप्शंस में रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो पाता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शंस ने आग लगा दी है और काफी काम ऑप्शंस में हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं जितना वीडियो रिकॉर्ड करूं ऑप्शंस में उतना कम है, क्योंकि इतना काम ऑप्शंस के अंदर में हो रहा है कि नए नए लोग हमको नई नई बातें सिखा सकते हैं। दोस्तों, तो मैंने जब अपना करियर चालू किया था 2002 में ऑप्शंस के अंदर में ट्रेडिंग करके, और मैंने कई बार कहा भी है कि मैंने सबसे पहला ट्रेड किया था ITC के ऑप्शंस के अंदर में। उस समय एक बहुत ही बढ़िया टूल हुआ करता था, ऑप्शंस ओरेकल। ये टूल तो अभी भी है, बट उस समय मुझे लगता है कि ऑप्शंस एनालिसिस के लिए लिमिटेड टूल्स ही हुआ करते थे। और ऑप्शंस ओरेकल एक दुनिया का टूल था, बाहर यूज होता था, और उसमें NSE का भी डेटा होता था। तो जिसको ऑप्शंस के अंदर में सिमुलेशंस रन करनी होती थी, वो टिपिकली उस समय के लोग जो है वो या तो ऑप्शंस ओरेकल यूज करते थे फ्री में, या ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स, वो जो महंगे वाले टूल्स है, वो लोग यूज किया करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ऑप्शंस ओरेकल में NSE का भाव आना बंद हो गया। मे बी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम रही होगी, या मे बी दे NSE डिसाइडेड टू स्टॉप देम। तो मैं बहुत मायूस हो गया, मैं घबरा गया कि अरे अब मुझे अच्छा टूल कैसे मिलेगा जो ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करने में मुझे हेल्प करे। तो मैं सोच ही रहा था कि किसी ने मेरी जो तकलीफ है वो दूर कर दी और ऑप्शंस ओरेकल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया वापस से, और उसको इंडियन मार्केट के हिसाब से कस्टमाइज किया। सो दोस्तों, आज के जो मेरे मेहमान है, दोस्त है, उन्होंने एक ऑप्शंस मार्केट में एक अलग ही अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की है। नॉट जस्ट एक ऑप्शंस टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, ट्रेडर पर्सपेक्टिव से, ट्रेनर पर्सपेक्टिव से, बट मुझे लगता है कि वो ओवरऑल पैकेज है लोगों को अपने अपने तरफ से एक विजडम ऑप्शंस मार्केट में शेयर करने का, एक एक जो उनका जज्बा है, जो उनका एक पैकेज है, बहुत जबरदस्त है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द गाय हु अंडरस्टैंड्स ऑप्शंस लाइक मोस्ट ऑफ द टॉप गाइज वुड बी, संतोष पासी। संतोष, आर यू देयर विद अस? Yes, sir, I'm here. हाय, हे संतोष, Yes, Vivek. Hey, Vivek. या Good to see या you. गुड टू सी यू एज वेल। डिड आई स्पेल योर सरनेम करेक्टली? परफेक्ट Yeah, it's a Passi, PASI, Passi, that's perfect. परफेक्ट, फैंटास्टिक। Yeah. सो थैंक यू सो मच संतोष फॉर गिविंग योर मोमेंट्स विद अस। And you have not been a kind of a alien personality for us. You have also taken a couple of webinars in Elon Markets, and people really love you. The kind of response we get when you take some session, I guess people resonate themselves with you and your background and what you are doing in market. And I'm also an avid follower of your Twitter handle. So let me congratulate you for the kind of input which you are giving to retail investors. थैंक यू फॉर दैट. दैट इज जनता का प्यार.
Okay, so first of all, thank you, Vivek, for introduction and inviting me here. I'm really glad. In fact, I highly regard you क्योंकि आप एक ऐसे हस्ती हो जो ट्विटर पे कभी लड़ते हैं ना, किसी से ट्रोल करते हो ना, कोई आपको ट्रोल करता है. ऐसे काफी कम लोग हैं जो उस सेफ जोन में है. सो आई एंड रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, योर टीम एफर्ट, बिकॉज आई हैव सीन इंक्लूडिंग जो ई-लर्न्स के वेबिनार्स देखते हैं उसके बैकग्राउंड में कितनी प्रिपरेशन होता है. हमको लगता है बहुत ईजी है. Then your team starts working from the day one. Oh, in fact, meeting webinar होने के पहले भी 5 मिनट पहले भी कॉल आता है कि be ready, everything शांत करना. So that is really hard work, and I really appreciate. And आपका जो webinar series है, it's a wonderful job. And lot of traders, newcomers, including the advanced guys, they are learning every day. In fact, I'm also following that. So sweet of you, Santosh. Would see the fact that people like you are there in society and you also value the association and you believe what we are doing is also correct. That's why we are doing what we are doing. So thank you so much, first of all, to you that you agreed to take those webinars in our platform and you have been sharing so much knowledge free of cost across the spectrum. So it's so nice to talk to you and get your wisdom today. So what we are going to do is, you know, the face-to-face format, how do I do it? That we all Yes. always want to know more about your background, about how you started, your challenges, and how you have come to the stage where you are right now. And then we go into strategy, into some concrete discussions about where you think is the right place where a retail individual investor can participate in the market. So let me start with this. पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में, ताकि लोग आपको और अच्छे से पहचान पाए. Go ahead. I will Sure, Vivek. Yeah. present. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, आई एम एक्चुअली अ मिडिल क्लास काइंड ऑफ गाय. कुछ बड़ी सोच लिखा नहीं है. एंड दैट वाज एक्चुअली इन इंडियन नेवी एंड वी वर फ्रॉम लाइक काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट. सो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली वेयर जहां वो शेयर मार्केट का बिजनेस का देयर वाज एब्सोल्युटली नो नॉलेज. एंड वी हैव ग्रोन इन द नेवी का एरिया एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर लाइक गवर्नमेंट जॉब्स आर वेरी सेफ जॉब एंड गो अहेड विद दैट काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो बिलीव मी, अंटिल 2006 मेरे पास शेयर मार्केट का एज भी नहीं पता था. सो आई वर्क फॉर द आई टी इंडस्ट्री एंड एज आई टी सिक्योरिटी प्रोफेशनल है. सो मेरे लिए आई टी सिक्योरिटी, जैसे इफ यू सी लॉट ऑफ गाइज इन इंडियन, ओके, दे प्रिफर टू गेट टेकी रादर देन इन टू बिजनेस और रादर इन टू अ फाइनेंस मार्केट, ऑल्दो नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग. But if you go back to 2000, some 2000 and initial 90s, those kind of things, so people were more towards a job kind of thing, जो ज़्यादा secure, safe life होती है. So that was like, so no background absolutely in the share market का. Okay, it was just पढ़ाई करनी है, okay, तो safe job लेके ज़िंदगी बितानी, that kind of सोच. And in fact, I started with that only, and then slowly was being forced into the trading market, I would say. So what happened in 2006, okay, when our FM that time, PC Chitambaram, he introduced something called FBT. So in case if you're holding the ESOP, then us pe FBT lagega, either company may pay that or you have to pay that. So that was the case, and then my organization asked me to exercise my ESOP. I thought, yeah, ESOP hai kya? Because I got that ESOP way back in 2002, but for me it was just a joining formality. Okay, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं कि शेयर मार्केट का कुछ तो मुझे दिया हुआ था, वो कुछ बंडल्स ऑफ पेपर्स थे दैट वाज लाइक वेयर आई कैन एक्सरसाइज माय शेयर्स, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कि शेयर्स कुछ होता है. ऑल्दो लॉट ऑफ माय कलीग्स ऑल द वे फ्रॉम 2002 2004 दे वर इनटू ट्रेडिंग मार्केट, फॉर मी लाइक यार कुछ तो करते रहते, छोड़ो हम अपना टेक्निकल्स, आईटी सिक्योरिटीज एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर मच बेटर थिंग टू डू. But then we got a call that jinke paas bhi ESOPs hai, they need to exercise that, otherwise the taxation would come up. And then the FM has given a time ki between certain duration you have to exercise, otherwise the tax would start. So and then organization even arranged ki aapko ESOP ka loan bhi chahiye, because that was a huge amount, so you can even take the loan against that 45 days, 6 days ka loan, and you need to take an exercise, and after 40 days you can just square off your bit of position and complete your loan also. So I have to actually find out the papers, कि कहाँ पे वो पेपर्स और डिटेल्स, एंड देन आई वेंट एंड एक्सरसाइज माय ESOP.
एंड दैट टाइम आई केम टू नो कि यार ये पेपर की वैल्यू कितनी महंगी थे, अब वो लाइक कंप्लीटली इग्नोर, मुझे कुछ पता ही नहीं था. सो आई थॉट अभी तो शेयर मार्केट में बनता है जाना, बिकॉज इट हैज सम वैल्यूज. ओके, एंड लकली लाइक बीइंग अ सैलरी अकाउंट, आई गॉट लाइक माय बैंकर फोर्स मी इन 2004 टू ओपन अ डीमैट अकाउंट. सो फ्री में डीमैट अकाउंट होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो आई ओपन दैट इन 2002 में, 2004 में. इन फैक्ट टू ओनली सिंगल ट्रेड along with that guy, OTCs का trade कुछ लेके छोड़ दिया था 2004 में, and then until 2006 not a single trade. Okay, मेरे को पता नहीं क्या करना है, जनता कर रही है, but हमें कुछ knowledge नहीं है, ज्ञान नहीं है, so I don't want to go into that territory. But after this instance कि shares आ गए हैं, now actually उसमें कुछ करना है, then started trading small shares. जो shares बढ़ रहे हैं, कुछ जो इसे news आ रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं, colleagues बता रहे हैं, let's go and just take those kind of trades and just add. Basically we go into कि हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है sort of it, लेकिन दिमाग में नहीं होता है केवल इन्वेस्ट करना है, वो पोर्टफोलियो नहीं होता. बेसिकली आइडिया मिडिल क्लास का होता है कि हम पैसा को सोना जैसे इकट्ठा जमा करते जा रहे हैं, वैसे शेयर्स को भी इकट्ठा जमा करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, देन हमारे धीरे धीरे 2008 आ गया, एंड देन एवरी द पोर्टफोलियो वेंट डाउन. ओके, इन बिटवीन वन ऑफ माई आर एम डीमैट वाले, उन्होंने मुझे ऑफिस में बोला कि संतोष कैन यू कम डाउन, हमको कुछ आपको बताना है, कुछ समथिंग बेचने के लिए. सो आई वेंट देयर, बाकी चीज को मैंने ना बोले, उन्होंने बोला फिर आई कहां भी, ये ऑप्शन में क्यों ट्रेड नहीं करते हो. बोला आप मुझे बताओ, मुझे तो पता नहीं ये ऑप्शन होता है क्या है. देन ही सेड ओके लेट मी शो यू. सो उन्होंने दिखा कि एक ट्रेड दिखाया, देखो ये निफ्टी का है, ये है ये चल रहा है, देखो कल की वैल्यू से गुना हो गया, मैं ऐसा करता हूँ, दैट इज मच बेटर. सो बोला ठीक है, आप ही ऑर्डर डाल दो मेरे अकाउंट में. So he just placed one order, long call का कुछ order डाल दिया था, ये बढ़ गया था, दुगना हो जाएगा, क्या बात है. They started doing actually into the options, कि ये option है क्या, काफी कोशिश किया कि यार ये सब buy कर रहा हूँ और अगले दिन ये दाम आधा हो रहा है, buy कर रहा हूँ अगले दिन दाम आधा हो रहा है, so that kind of something is going wrong. And I tried all the combination कि long को buy करो, long को buy करो तो भी वैसी हालत हो रही है, call को भी buy करो तो वैसी हालत हो रही है. And that broke at that time. By default, वो शॉर्टिंग का अलाउ नहीं करता था, क्योंकि उनका कुछ इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स था जो मुझे पता नहीं था, या फिर इतने कैपिटल है, कैश है, तो आप क्या लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट नहीं कर सकते हो. तो वॉज फोर्स टू डू ओनली लॉन्ग्स. एंड देन आई रियलाइज बाय द 2009 के यार जो मैं कर रहा हूँ फंडामेंटली देयर इज समथिंग फंडामेंटली बैड, कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ. आई थॉट कि लाइक एनी अदर प्रोफेशन आई हैव टू टेक अ प्रॉपर एजुकेशन. सो आई एक्चुअली वेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आउट ऑफ US के है, आई मीन मस्ट बी नोइंग दैट इज कॉल्ड OTA. सो मैंने बोला लेट्स गो देयर, एंड दे इनफैक्ट दे इनवाइट दैट टाइम इटसेल्फ, इंसिडेंटली उनका भी इन्विटेशन आया था कि आप आइए 2 घंटे का हमारा एक अटेंड करके चाहिए. तो बोला ये दैट्स रियली गुड. सो आई फोर्स वन कलेक्ट कि हम दोनों जाएंगे शाम को बैठ कर देखेंगे, एंड इमीडिएट आई वेंट देयर, एंड दैट डे इटसेल्फ आई सेड एनरोल करते हैं, क्योंकि ये भी एक सीरियस बिजनेस है जहाँ पे यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एजुकेशन इफ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड. ये तुक्काबाजी का, बिकॉज आई हैव सीन माई रिजल्ट्स. देन आई वेंट थ्रू और देर इनफैक्ट OTA का जो हाइयर क्लासेस हाइएस्ट लेवल है, दैट दे कॉल इट मल्टीमोडिटी, जो वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए एप्लीकेबल, नॉट इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, इंडियन में काफी कम जनता करती, बिकॉज दैट इज वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट. सो आई हैव डिड दैट बिकॉज आई वॉज ओवरसीज, सो आई वॉज एबल टू डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ कॉस्ट. सो आई वॉज लाइक इन US फॉर फ्यू ईयर्स, देन आई वॉज इन UK फॉर फ्यू ईयर्स. सो वहाँ पे जो डॉलर्स में पाउंड्स में जो सैलरी आती है, तो सैलरी से आई कैन कॉम्पेंसेट दैट एंड आई कैन गो फॉरवर्ड. सो आई हैव डन दैट हाईएस्ट लेवल, बट अनफॉर्चुनेटली इवन दोस कोर्सेज लाइक जेनेरिक कोर्स आई एम मोर फोकस्ड ऑन US मार्केट. सो इसके लिए आपको आपके हिसाब से पर्सनैलिटी के हिसाब से यू हैव टू मेक योर ओन स्टाइल दैट सूट्स योर पर्सनैलिटी एंड योर एनवायरमेंट. सो फिर व्हाट आई डिड, मैंने बोला कि ये सारे कोर्स चल नहीं रहे, let me go and focus on your other options. Somehow options was much easy for me to take it forward. So that way we started the options. And in fact, option oracle ki kahani bhi waisi ho gayi, because all the way from 2010, I was using the option oracle. And we used to have our own WhatsApp group with almost like 150 members. And every alternate day we have to have sessions, options pe. Okay, so अचानक 2012 में ऑप्शन हो रहा है, कल बंद हो गया. सो थोड़ी सी लाइफ ठंडी पड़ गई, सम गाय केम एंड ही सॉर्टेड आउट. 2013 में भी ऐसा वो सॉर्टेड आउट हो गया. 2015 आई रिमेंबर मई में जाके बंद हो गया, एंड आई वाज लाइक यार कोई तो आके चालू कर दे, कोई तो आके. एंड आई वाज लाइक आईटी सिक्योरिटी का, अगर नेट पे कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आई हैव कैपेसिटी कि मैं ढूंढ के निकालूंगा, कहीं भी पब्लिश कर दे. तो आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 2 months बैक टू बैक एवरी डे आई वॉज लाइक कि कहीं तो किसने तो इसको सॉल्व किया रहेगा और सॉल्यूशन आ जाएगा. अनफॉर्चुनेटली लाइक इट वाज नो वन टुक एफर्ट दिस टाइम टू टेक इट फॉरवर्ड.
although I have some coding background, but my job doesn't allow me, job doesn't require me to do a coding because I'm more of an infrastructure security guy kind of things. So one of my colleague suggested me, why don't you look into that code itself? Maybe you both के आपको थोड़ा सा कोड्स का इंटरेस्ट भी है, why don't you jump into that? So that's the reason. Then I searched for the option like code कि है कहाँ पे code. That was the story. फिर मुझे code मिला, वो code 2012 का बना हुआ था. बोला ठीक है 2012 का बना हुआ है, इसको कैसे रिजॉल्व करें? तो मालूम पड़े लैंग्वेज किस में बना हुआ है. फर्स्ट मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कोडिंग किस में की गई है. देन आई केम टू नो कि कुछ तो समथिंग का शी शार्प में किया है कोडिंग. अच्छा ये शी शार्प में स्टार्ट कैसे करें, इसके लिए कुछ तो कहीं तो लोड करना पड़ेगा. तो मानो बड़ा इसके लिए विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन आता है या विजुअल स्टूडियो में आप लोड करते हो. सो दैट वाज द वे आई स्टार्टेड विद कि चलो इसको लोड करते देखते दिखता क्या है. देन वी वेंट टू ट्रबल शूटिंग. सो एंड लेट मी लाइक विद इन अ फ्यू वीक्स आई वाज एबल टू क्रैक दैट एंड देन ऑप्शन ओरेकल थिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ऑल मूव फॉरवर्ड. सो दैट इज अ छोटा सा स्टोरी अबाउट माय ट्रेडिंग. फैंटास्टिक फैंटास्टिक फ्रेंड्स. अगर आप इसको सुने ठीक से तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे चीजें जस्ट प्रोग्रेस होती हैं. और आप अगर डिलीजेंटली लगे हुए हैं और एक मकसद लेके बैठे हैं कि मेरे को करना ही है, तो आप मतलब ये भी कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर दुनिया का सॉफ्टवेयर जो बंद हो गया है और वो सॉफ्टवेयर पे आप डिपेंडेंट है, उस सॉफ्टवेयर को भी आप चालू कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से उसको ढांचे में डाल के. बहुत ही कमेंडेबल है. तो संतोष आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है. थोड़ी बहुत मेरी स्टोरी भी वैसी ही है, ऑल्दो मैं तो थर्ड जनरेशन ट्रेडर हूँ. मेरे दादाजी ट्रेडर थे, मेरे पिताजी ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करता हूँ. तो हमने तो ट्रेडिंग पहले किया और उसके बाद टूल में घुसे. आपने तो टूल राइट टूल बनाया और फिर आप ट्रेडिंग बहुत अच्छा से कर रहे सक्सेसफुली. तो चलिए संतोष, एक आज मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आज अपने लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो मैं आपके साथ में लाइव डिस्कशन भी करूंगा ताकि हमारे जो यूजर्स हैं दे कैन एक्चुअली सी व्हाट यू आर टॉकिंग गेटिंग इंप्लीमेंटेड आल्सो. एंड बाय द टाइम ये वीडियो होगा हमको एक्चुअली में वो जो डिस्कशन उसका आउटपुट भी नजर आ जाएगा, तो लोग फिर रिलेट कर पाएंगे कि हमने ये क्यों कहा था और ये क्यों हुआ. तो लेकिन उसके थोड़ा कंसेप्चुअल डिस्कशन करते हैं कि ऑप्शन जैसे आजकल चल रहा है ना कि दो लोग हैं, एक ऑप्शन बायर है और एक ऑप्शन सेलर है. कुछ दिन पहले फेस टू फेस किया था विश्वेश के साथ में और जो आपके अच्छे मित्र भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो अपॉर्चुनिस्ट हूँ, मेरे को जहां पैसा मिलेगा मैं जाके घुस के कर लूंगा. तो डू यू आल्सो बिलोंग टू द सेम कैंप? आर यू एन अपॉर्चुनिस्ट? यस, इनफैक्ट वी फॉलो दैट. सो हम क्या कहते हैं कि हम देखते हैं कि ऑप्शन मार्केट है, जो ऑप्शन प्रीमियम्स है वो महंगा या सस्ता है. अगर ऑप्शन प्रीमियम इज एक्सपेंसिव देन यू हैव टू ओनली गो फॉर शॉर्टिंग, यू हैव टू ओनली गो फॉर सेलिंग. वर्सेस इफ ऑप्शन प्रीमियम्स आर चीप देन इट डजंट मेक टू सेंस टू बी अ सेलर. इन दैट केस यू हैव टू बी अ बायर. दैट इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल कि जो चीज महंगा है वहां पे दुकानदार बनना चाहिए और जो चीज सस्ता है वहां पे खरीदार बनना चाहिए. सो दैट इज अ वे वी फॉलो. बट इफ यू सी माय ओन ट्रेडिंग, mostly I'm a seller, mostly. Okay, 10% I would be a buyer, pure, and but 90% I would be a seller because of a limitation of Indian market. क्योंकि जब ट्रेडर बन जब सेलर बनते हो तो मतलब आप दुकानदार बनते हो. दुकानदार बनते means you have to rotate your things very faster. Okay, जैसे जियो है, जियो ने क्या किया कि वो 30 दिन का एक महीना हुआ करता था, उसको भी 28 दिन के डेफिनेशन में चेंज किया because he want to be a trader of that. So the faster he rotates his things, you're going to get more value. Okay, so Indian market mein kya hai, jo options available hai trading ke liye are hardly like 1 month or 2 months. Although we have do have a Nifty ka long term option, but it's illiquid, so it doesn't make sense to trade those. Okay, so jo actually tradable options hai wo either this series or the next series, although we do have a lot of weeklies also, but by the way 2 month se zyada ka tradable options nahi hai. So agar trading karni hai to aapko seller matlab seller banna hai to short term mein hi kar sakte ho. अगर आपको बायर बनना है देन आई से यू हैव टू बिकम इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर हैव टू बी अ लॉन्ग टर्म. तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस चाहिए टेक्निकली, लाइक 180 डेज के ऑप्शंस, 200 डेज के प्लस के ऑप्शन, लाइक इन यूएस मार्केट, यूके मार्केट. व्हेन आई वाज देयर आई यूज्ड टू गेट दोस काइंड ऑफ थिंग्स. वर्स इन इंडियन मार्केट वी डोंट हैव अ फार टाइम फ्रेम ऑप्शंस, सो वी कांट डू अर्ली ऑप्शंस आर नॉट देयर. सो इन फ्यूचर इफ यू गेट दोस काइंड ऑफ लिक्विडिटी इंडियन मार्केट देन इट डज डेफिनेटली मेक्स अ सेंस टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑप्शंस एंड वहां पे आप बाइंग कर लो.
अच्छा ओके अच्छा, सेलिंग करनी है तो शॉर्ट टर्म होने चाहिए, और बाइंग करनी है तो इन्वेस्टमेंट बनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यू हैव टू गिव सम टाइम आल्सो सो दैट इट कैन ग्रो राइट। सो संतोष आपने बात अच्छी कही कि इंडियन मार्केट एक बहुत पिक्यूलर मार्केट है, काफी यूनिक है विज अदर मार्केट्स, और मैंने इंडियन मार्केट में एक और बात देखी कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का पैरिटी बहुत अलग चलता है। चलिए हम लोग मेजर करते हैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी के थ्रू, तो हमने देखा है कि कॉल का वी कर्व जो प्राइसिंग है, पुट का जो प्राइसिंग है, उनमें पैरिटी नहीं रहती। एब्सोल्युटली इसके बाद आप एलाबोरेट कर पाएंगे कि क्यों ऐसा है कि दोनों का महंगा, क्यों कॉल कभी महंगा होता है कभी महंगा होता है, ऐसा क्यों होता है मार्केट के अंदर? So basically, it's like uncertainty कितनी है, कहाँ पे uncertainty जाती है, okay? So let's take the example. Most of time you might say कि call की price कम होती है, IV कम होती है, और maybe premiums कम होता है compared to the put. क्योंकि जब market बढ़ता है, let's take the market of 10,000 पे. If market falls down by 100, maybe say 10% market गिर गया. So let's take a very simple example कि 100 रुपया का underlying value है 100 रुपया. वो गिर गया तो कितना हो गया? So 50% गिर गया. तो इट मींस गिरते समय वो 50% गिरा हुआ है, वर्सेस अगर उसको वापस बढ़ना है, वापस 100 पे पहुंचे तो 100% बढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। इट मींस देयर इज अ हायर अनसर्टेनिटी गिरने के लिए, बढ़ने के लिए देयर इज अ लेस अनसर्टेनिटी, बिकॉज़ जब मार्केट ग्रोस इट मींस दे हैव अ कॉन्क्रीट न्यूज, देयर इज अ कंफर्मेशन समवेयर कि यस इकोनॉमी इज डूइंग वेल और द ऑनर्स इज डूइंग वेल, लेट्स लेट इट इंक्रीज, वर्सेस गिरने के लिए It can't be any rumors, certainty, any news, any tweets right, nowadays. Right. So that's the reason कि जो नीचे का डर है लोगों को, नीचे की तरफ का, that is higher fear. कि मैं गिरूंगा. तो उसके लिए puts are most of time are expensive compared to the calls. And that is reason you might have seen. That is why you might have seen कि जब ये हमारा 10,000-12,000 जो भी निफ्टी गिरा हुआ है, तो नीचे गिरने से मैं I will shoot up too much. Right. वैसे जब मार्केट बढ़ रहा है तो आई भी एक्चुअली काम डाउन हो जाता है, बिकॉज देयर इज सम लेवल ऑफ सर्टेनिटीज देयर वर्सेस गिरते समय यानी कहां राइट। संतोष मेरी आवाज आ रही है आपको? या आई कैन हियर यू परफेक्टली वेल। बीच में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। सो आपने बात कही कि शॉर्ट टर्म के अंदर में जनरली आदमी सेलिंग का सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के अंदर में बाइंग का सोचना चाहिए। तो एब्सोल्युटली आपने स्टेटमेंट किया कि जनरली कॉल और पुट में देखा गया कि पुट महंगा होता है, और आपने उस पॉइंट को सब्सटेंशिएट किया कि क्यों पुट महंगा होता है। जब किसी को मार्केट में बेच के खेलना है तो कब कॉल बेचना चाहिए, कब पुट बेचना चाहिए, गिवन अजम्पशन पुट हमेशा महंगा होता है कॉल से, ये दोनों स्टेटमेंट को कहीं हम लोग करेक्ट। सो लेट्स टेक द एग्जांपल कि इफ यू आर टेक्निकल एनालिस्ट, ओके टेक्निकल चार्ट पढ़ना आता है, एंड इफ यू सी कि आपका कॉल या आपका अंडरलाइन इज नियर टू रेजिस्टेंस, इट इज नियर टू रेजिस्टेंस, जहां पे मुझे लगता है टेक्निकली चार्ट को नीचे गिरना चाहिए। एट द सेम टाइम इफ यू सी कि वो जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वहां पे कॉल्स का काफी हाई हो चुका हुआ है, ठीक है, देन यू कैन टेक अ चांस कि आप कॉल को बेच के चलो, ओके दैट विल गिव यू सम हियर चांसेस। वर्सेस अगर आपको बाय आप पुट को बेचना है तो लेट मार्केट ऑलरेडी फॉल डाउन कम डाउन टू योर अंडरलाइन, ऑप्शन की बात नहीं, लेट अंडरलाइन कम डाउन टू योर सपोर्ट, और दैट विल बी अ हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, नॉट द 15 मिनट्स 20 मिनट्स का नहीं चाहिए, एटलीस्ट 14 मिनट्स और मे डे और मे वीकली काइंड ऑफ सपोर्ट, कि जहां से मुझे लगता है कि मार्केट गोना टेक अ अपसाइड मूव। इन दैट केस उसमें दो चीज देखना है, अगर मार्केट गिरा हुआ है तो वो भी चेक करना है कि वोलेटिलिटी हाई है तो ही बेचना है, अगर मार्केट आपके रेजिस्टेंस पे पहुंच गया हुआ है और उसमें आपको लग रहा है कि नीचे गिरने वाला है, बट अगर वोलेटिलिटी सस्ती है देन इज बेटर टू बाय द पुट, अगर वोलेटिलिटी महंगी है इज बेटर टू शॉर्ट अ कॉल। अच्छा अच्छा अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, अपना डेस्कटॉप पे अगर एनएससी का साइट खोल लें और कोई भी स्टॉक पे अगर अपने डिस्कशन करें, ये जो ओपन इंटरेस्ट वाला जो बात आपने बोला ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कैसे ओपन इंटरेस्ट आप निकाल पाए कि कैसे कोई स्टॉक के अंदर में कॉल में बेचना चाहिए या पुट बेचना चाहिए, जो भी आपने बात कही अगर वो आप बता पाए कोई एग्जांपल लेके तो इजी हो जाएगा। परफेक्ट। सो लेट्स टेक दिस वे, अभी निफ्टी कहे तो निफ्टी लेते यहाँ पे, ठीक है, अगर निफ्टी का हाईएस्ट ओआई देखा जाए यहाँ पे, लेट मी शो यू द विद द पिक्चर के साथ थोड़ा बड़ा छोटा करके सो दैट दैट मच इजीियर।
सो इफ यू सी दिस वन ओके, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर हमारा 10,000 पे, यू कैन सी कि हाईएस्ट ओआई इज बिल्ट अप ओवर, ठीक है. सो इट मींस एक हमारा 10,000 पे, सो दैट मींस दैट इज माय वन ऑफ द रेजिस्टेंस. ओके, टिपिकली इट्स संतोष थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, वो थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, दिख नहीं पा रहा. हां हां ओके दैट वन. सो यू कैन सी कि ये हमारा, आई कैन होप यू कैन सी फुल स्क्रीन. ओके ओके, सो यू कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ तक आपको बढ़ गया है एंड इसका ओआई यहाँ पे सब में सबसे हाई है, आउट ऑफ द मनी में. ओके, इन द मनी में नहीं जाना है, मोस्टली आउट ऑफ द मनी प्रेफर करना, अदरवाइज यू कैन से कि है संतोष यहाँ पे भी हाई था, इसको क्यों नहीं किया हुआ है. ठीक है, रेजिस्टेंस कभी भी प्राइस के ऊपर होता है, रेजिस्टेंस कभी भी हमारे अंडरलाइन प्राइस के ऊपर होने चाहिए. सो मोस्ट लाइकली दिस कुड बी वन अ गुड रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक होके एक्चुअली ऊपर गया तो. ओके, सेम वे ऑन द पुट साइड यू कैन सी दैट यहाँ पे काफी अच्छी राइटिंग हो चुकी है यहाँ पे, दैट इज अराउंड 9,000. ओके, तो जिनको बहुत सेफ ट्रेड करना था, नेक्स्ट मंथ का ट्रेड करना, दे कैन वॉच आउट. दिस इज अनरियलिस्टिक लेवल्स, क्योंकि मार्केट 95 पे आप ऑलमोस्ट 500 पॉइंट पीछे जा रहे हो, 500 पॉइंट ऊपर जा रहे हो. ऑलमोस्ट 5% का हमें यहाँ पे सेफ्टी देना, 5% यहाँ पे सेफ्टी देनी. बट इफ यू आर टेकिंग अ मंथली ट्रेड, से मैं इनका ट्रेड कर रहा हूं, दैट केस यू कैन वॉच ऑन दिस लेवल्स. ओके, सो लेट्स हियर एंड आई एम गोना ओपन अ सेम ओआई बट नॉट फॉर अप्रैल सीरीज, मैं इनकम ओपन कर देता हूँ, सो दैट विल मेक मच सेंस हियर. Let me see if we have a liquidity here. Okay, so as you can see here, हमारे May series का है, and the same thing may reflect here also. कि हमारा 10,000 होगा, वहाँ पे हमारी अच्छी writing होगी, and you can see over here also. कि अगर May series का है, तो हमारी 10,000 पे अच्छी writing है. Correct? Can you see here? That is the highest open interest here. Versus put side में हमारा highest कहाँ पे आ गया? 9,000 पे आया हुआ है. As you can see here. इसके साथ में एक चीज रखना चाहिए कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें चेंज इन ओआई भी पॉजिटिव होने चाहिए और एटलीस्ट 10% के ऊपर होने चाहिए. ठीक है, ये जो चेंज इन ओआई है शुडंट बी नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव होने चाहिए. सम टाइम जैसे अगर इस मंथ की सीरीज देखेंगे अभी अप्रैल वाली, लेट मी शो अनदर पेज जहां पे हम अप्रैल के देखते, तो उसमें मे बी अनवाइंडिंग चालू हो गया होगा. तो यू कैन सी देयर आर फ्यू नंबर्स व्हिच आर इन माइनस, दैट शुडंट बी, दैट शुड बी इग्नोर, दैट वाज रीजन आई इग्नोर दिस वन. ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव मींस अनवाइंडिंग चालू हो गई, तो इसमें लोगों का ट्रस्ट हट चुका हुआ है, लोग सोच रहे कि ये बुलिश ही जाएगा, ऊपर जाएगा. नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, हमारा जो सपोर्ट है कुड बी ओवर हियर एज ऑफ नाउ. अगर कुछ के सब, तो अगर आपको बेचना है तो अगर डायरेक्शन पे करना है तो लेट द अंडरलाइन गो ऑल द वे हियर समवेयर नियर बाय दिस नंबर्स 95-10,000 के करीब आ जाओ, तो उस समय इसको बेचने में ज्यादा फायदा होगा. अगर यूनिट डायरेक्शन करना है, अगर नॉन डायरेक्शन करना है तो आप दोनों को बेच सकते हो. अभी आप उसको सेल कर दीजिए और आप उसको सेल कर दीजिए. संतोष एक बात बताइए, ये ये जो कंसेप्ट है जिसको आई थिंक कई लोग मैक्स पेन थ्योरी भी बोलते हैं, कि जहां पर सबसे ज्यादा ओपन है जनरली वही सबसे बड़ा पेन पॉइंट हो सकता है मार्केट का. तो हम दोनों तरफ ढूंढ रहे हैं, हम एक तरफ नहीं ढूंढ रहे. अच्छा, तो एक सिंगल स्ट्राइक होता है उसको मैक्स पेन बोला जाता है, जबकि हम एक्चुअली रेंज ढूंढ रहे हैं कि मुझे कौन सा रेंज सेफ लग रहा है, किसके ऊपर बेचना सेफ लग रहा है, किसके नीचे बेचना सेफ लग रहा है. ओके, तो ये बेच के फिर रिस्क को कैसे मैनेज करें, कि सपोज किसी ने बेच दिया तो पहले तो बात है कि ये कब बेचना, जब प्राइस पास के तब बेचना चाहिए ना, आज के रेट में अगर प्राइस बीच में है तो भी बेच सकता है, और बेचे कितने दिन के लिए पोजीशन रहना चाहिए टिपिकली, और रिस्क को कैसे मैनेज करना चाहिए. ठीक है, तो उसके जैसे मेरा प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो ट्रेड लेना है तो मेरी चार्ट से स्टार्ट नहीं होता, आई डोंट सी द ट्रेंड एज अ फर्स्ट थिंग. फर्स्ट आई एम गोना चेक कि प्रीमियम्स क्या है, महंगा है सस्ता है. सो माई थिंग स्टार्ट विद बिकॉज आई एम अ वोलेटिलिटी गाय, तो वेगा को मुझे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेफरेंस दे रहा है. नेक्स्ट डेल्टा आता है जो प्राइस आता है, सो डेल्टा इज फॉर सेकंड थिंग फॉर मी. ओके, फर्स्ट आई एम गोना चेक कि वेगा क्या, वोलेटिलिटी क्या, हाई है महंगा है सस्ता क्या है. तो उसके बाद हम मालूम पता है कि ऑप्शन आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इट मीन्स आई हैव टू बिकम अ सेलर. ओके, अगर ऑप्शन न्यूट्रल है तो मतलब दोनों भी बन सकते हैं. अगर बहुत सस्ता हो गया तो आज से आर बी बायर, अगर कम सस्ता हो गया तो आर बी बायर विद इंश्योरेंस, और महंगा है बट ज्यादा महंगा नहीं है तो आर बी सेलर विद इंश्योरेंस. तो दोस आर टिपिकल थिंग्स वी फॉलो. सो वी डिवाइड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज, वेरी हाई मींस जस्ट अ सेलर, हाई मींस सेलर विद इंश्योरेंस, न्यूट्रल मींस यू कुड बी सेलर और बायर, एंड चीप मींस यू कुड बी बायर विद इंश्योरेंस, एंड वेरी चीप मींस यू हैव टू बी अ प्योर बायर. सो नाउ आई नो कि मुझे क्या बनना है, दुकानदार बनना है, खरीदार बनना है, फर्स्ट आई एम गोना डिसाइड दैट. ओके, If I assume कि मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे दुकानदार बनना, I want to be a seller, then I'm gonna come to the trend. कि should I take a non-directional view,
should I go for a bullish view or should I go for bearish view? So now here you can use your charts, you can use your OIs, you can use moving averages, indicators, oscillator, कोई भी use करके you take some view. अगर कुछ view नहीं समझ में आया तो better go for non-directional. Okay. And preferred position होगा कि अगर बीच में हो तो आप ले लो. जैसे आज की तारीख में 9000 10000 के बीच में है. Market is around 9500, तो it's almost at the center. So it's better कि आप ले लो trade. And your trade should be if you do the option one, take a monthly trade. Weekly trade बहुत lucrative लगता है, but avoid that क्योंकि उसमें if trade goes against you, then you don't have enough time to adjust that. सही बात है. You don't have enough money to adjust that. अगर आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, but still you don't have enough time. So that's why initially, if you're new to the option world, then preferably go for an indices trade only like 50, and go for monthly series, जहाँ पे you have enough time, because life में भी ऐसा होता है, if you have time, then you can do the wonders. अगर आप चाहे कितने भी अमीर हो, अगर आपके पास life ही नहीं बची है, then you can't do anything. So that exactly is in the application here. Yeah, so that way. So now we will identify कि मेरा trend क्या है. तो assume करो कि मैं non direction लेना चाहता हूँ. I'm gonna say कि okay, मैं non direction लेना चाहता हूँ. तो मैंने इन दोनों को बेच दिया, आगे पीछे बेच दिया. What is my reward? And जो भी मुझे reward आ रहा है, समझो मुझे reward आ रहा है कि 300 point reward आ रहा है. Then I'm gonna say कि अगर 300 मैं कमाने की इच्छा रखता हूँ, I want to earn 300 points from the Nifty, then I should be comfortable to lose 100 points also, one third. Then I'm going to identify कि अगर underlying goes to at what level I'm going to lose 100 points on the lower side. Same way if underlying goes to on the higher side, where I'm going to lose 100 points. That will become a support for my trade. It's not support for the underlying, but support for my trade. So I follow like मेरे trade के लिए support क्या है, मेरे trade के लिए resistance क्या है. जनता बोलती है कि hey Santosh, this is my support, this is resistance. Then do I ask them how that is, can you justify कि ये support निकाला है, resistance निकाला है, ये आपके लिए valid कैसे है? क्योंकि ये तो डेली चार्ट पे है. आपका चार्ट डेली, आप ट्रेड डेली पे कर रहे हो, मंथली पे कर रहे हो, वीकली पे कर रहे हो, किसने बोला ही नहीं. तो इसके लिए वी शुड आइडेंटिफाई सपोर्ट रेजिस्टेंस दैट इज वैलिड फॉर योर ओन ट्रेड. एक एग्जांपल देते हैं संतोष, आई थिंक कंसेप्चुअली अपने को थोड़ा समझने में और बेटर हो जाएगा. कोई भी एक स्टॉक या इंडेक्स का एग्जाम्पल या कोई ट्रेड आपको लगता है ओरिजिनेट हो रहा है, इसको अपने ये पूरा प्रोसेस को समझ सके उससे. एक काम करते हैं, पहली बात कि आपको पता है कि कल रिलायंस का रिजल्ट है, सो डेफिनेट वॉलिटी काफी हाई है. आपको वैलिडेशन करना है तो यू कैन यूज इधर माई टूल, मे बी कॉन्सेप्ट जो है उनका है, या तो आप डिफाइन एज है. सो आजकल सारी जनता आपको टूल्स दे रही थी जहाँ पे आप जाके वॉलिटी को मेजर कर सकते हो. IVR, IVP कोई भी फॉलो कर लो, इधर IVR फॉलो कर लो, IVP फॉलो कर लीजिए या HVIV. ओके, सो लेट्स इग्नोर दैट पार्ट क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अभी मार्केट क्लोज होने वाला है 20 मिनट्स में. सो लेट्स अज्यूम कि वॉलिटी इज वेरी हाई. ओके, एज वी नो कि कल रिजल्ट डेफिनेटली हाई होगा, हाई या तो वेरी हाई दोनों के बीच में होगा. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप. आई एम गोना गो ऑन द रिलायंस चार्ट. ओके, सो आई विल जस्ट गो ऑन द रिलायंस चार्ट. रिलायंस थोड़ा सा ऊपर ऊपर भाग रहा है और काफी ऊपर भाग चुका हुआ है ऑलरेडी, उसने यहाँ से यहाँ तक रैली दे चुका हुआ है. एंड इफ यू सी कितना परसेंट ऊपर भागा हुआ है, तो काफी बिकॉज ऑफ हमारे फेसबुक के न्यूज के कारण इट वेंट ऑल द वे ऑलमोस्ट लाइक आपका काफी परसेंट ऊपर भाग चुका हुआ है. ओके, सो फ्रॉम अराउंड 800 ऑल द वे ऑलमोस्ट 71% इफ यू से सरप्राइजिंगली भाग टच जा कर चुका हुआ लगभग. ओके, इफ यू से अराउंड हियर 66% लोअर टू वन वे. सो आई डोंट थिंक कि फर्दर ऊपर भागने की ताकत है, बट वी हैव टू गिव सम रूम हियर एंड वी हैव टू गिव सम रूम ओवर हियर. तो एक काम करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमें रिलायंस में एक ट्रेड बनाना है. And although I do some validation, just आपको बताया, I don't want to see my tools, otherwise जनता बोलेगी promotion हो रहा है. And then we go. नहीं, आप ऐसा मत सोचो. अरे संतोष भाई, आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि हमारे यूजर्स हैं, उनको पता है कि कौन जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है. तो आप अपना जो भी टूल यूज करते हो वो लाट. ओके, सो लेट मी शो यू. तो मैं रिलायंस जाके बोलते रिलायंस की आपको IV को डाउनलोड कर लीजिए. तो वो IV को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे, as you can see, and then it's going to download my spot data, and then it's going to show me कि yes आपकी
अंडरलाइन की प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रहा डाउनलोड होने में एनीवे, एंड देन इज गोना शो यू कि आपकी वॉडी लेवल है क्या। सो एज यू कैन सी एज एक्सपेक्टेड कि वॉडी लेवल की हमारे यहाँ पे हाई है। ये बोल रहा कि इससे में आपको दुकानदार बनने में फायदा है, यू हैव टू गो फॉर क्रेडिट स्ट्रेटजी रादर देन गोइंग फॉर अ डेबिट स्ट्रेटजी। एंड इफ यू सेइंग कि इफ यू हैव अ नॉन डैश व्यू देन गो फॉर ईदर आयरन कॉन्डो ट्रेड और आयरन बटरफ्लाई ट्रेड। एंड इफ यू हैव बुलिश व्यू, आपको लगता है कि रिलायंस में मूव फर्दर अप, देन गो फॉर बुल पुट स्प्रेड बिकॉज यू हैव टू बिकम अ सेलर। एंड इफ यू हैव अ बेयरिश व्यू देन बेटर गो फॉर बाय कॉल स्प्रेड। ओके, देन गिव्स मी सम अदर इन्फॉर्मेशन की लॉट साइज क्या है। ये मुझे बता रहे कि डायरेक्शन पुट कॉल के हिसाब से, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से इट इज अ साइडवेज डायरेक्शन versus if you add a trend also on that and over analysis करोगे तो हमको लग रहा है कि sideways तो bullish लेने में थोड़ा सा फायदा है। so इसलिए saying कि bullish शायद और जा सकता है, plus इनसे बोला कि keep an eye कि it has a tendency that it can, in a day also it can move as of now 5% okay based on the last 14 days ATR okay so that way it gives you some rough idea कि आपको trade क्या लेना है। so now I forgot कि मुझे वो non-direction लेना है and I want to go for Reliance. I'll go on my tool and I'm going to say, hey, Reliance का data download कर लीजिए. So let me open once again and then I'm going to download here and then so I'll show you three different combinations. Okay. So let's go here and I'm going to Reliance का option chain. I need option chain and then out of the box we will try to yeah. संतोष सॉरी बीच में इंटरप्ट करता जाऊंगा, मेरी आदत बुरी है, माइंड मत कीजिए। नो वॉइस, ये ऑप्शन ओरेकल अगर किसी को डाउनलोड करना हो और यूज करना हो तो वो आपके वेबसाइट passitechnologies.com में जाए। एब्सोल्युटली, वहाँ पे फ्री में है, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जो स्टॉक्स में है और इंडेक्सेस का है, बैंक निफ्टी का, उसमें हम बिल्कुल दे रहे हैं कि आप लाइफ टाइम यूज कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे इतना फायदा है और इतना मुझे should be comfortable to lose this much and I should be maximum profit potential is this much. Okay. क्या trade है इसमें? ये trade में हम बोल रहे हैं कि 300, ये out of template बना है, उसको customize नहीं किया अभी। ये बता रहा है कि 1380 के put को बेच दो, फिर बोल रहे हैं 1460 के call को बेच दो और फिर से 20 points नीचे आप insurance ले लो और 20 points आप ऊपर insurance ले लो, तो आपको maximum over 15 points मिलेगा, मतलब 15 into 500 जो आपका rupees format में हो जाएगा and then you're going to lose points max 4.5 points. Okay. ये ट्रेड वेरी कंफर्टेबल नहीं है, ऑल्दो लॉट ऑफ वेज में गो अट्रैक्टिव की ट्रेड में मुझे आरआर रेशियो लाइक मोर देन 3 आरआर करेक्ट, बिकॉज़ आई एम गोना विन 15 पॉइंट्स आई एम गोना लूज, सो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ ट्रेड। क्योंकि क्या होगा इसमें हमारा रेंज छोटा होगा, इफ यू सी हियर, सो अपर प्रोटेक्शन इज जस्ट 3% ओके एंड लोअर प्रोटेक्शन इज जस्ट 4 पॉइंट्स अब बिलो दैट ओके, सो ये थोड़ा सा रेंज छोटा हो गया बिकॉज़ बफर इज हाउ मच हियर दोनों कंबाइन करते तो 7 can I call it 7% room versus this guy saying ki it can move a 5% in a day also iska move kar sakta hai aur hamare paas lagbhag 5 hafte pade hue abhi almost we have 5 weeks to go so this 7% may be a slightly lower so hum kya karenge we going to increase the range so usko insurance ko thoda sa aur sasta karte hain let's go and let's make it of 40 points below here and I'm going to increase by 40 points further up okay and let's check ki ab ye range kya ho gaya so now you can see the my range is further high I have a 5% room on the upper side I have 5% room on the lower side and I have a potential to earn 17 points versus so I have a potential to earn 42 points versus I should be comfortable to lose 17 points to aapka diagram kuch payoff is looking that way still for me I want to increase the probability now yahan pe kya ki profitability aa gayi hai but we need to manage probability also दोनों को बैलेंस चाहिए क्योंकि आपको कितना कमाना है वर्सेस कितना लेना है तो उसको हम थोड़ा सा और पिछले जाते हैं ओके लेट्स मूव लेट्स सी द वे आई डू नॉर्मली ओके एंड लेट्स इंक्रीज फर्दर अप इनफैक्ट अभी कितना यू कैन सी 6.5% हियर रफली एंड 6% हियर वर्सेस आई कैन अर्न 53 पॉइंट्स एंड आई शुड बी कंफर्टेबल टू लूज 26 पॉइंट्स
So which state do you think is better, the first one or the one which is now I'm going to show? If you compare both the trades, which one, or do you think this one is better? In fact, मैं आपको थोड़ा सा और इसको बुरा करके बनाता हूँ. So let's see the worst case scenario. 12-16 and versus let's go here and let's make it 15-80. Which trade do you think is better? Okay. इसमें 18 नहीं, ये तो बुरा हो गया. Let me make it so fun. I think I mix up some there is some illiquid options are here, so that's the issue with the Indian market. So let's go for the illiquid आने पे it mix up because that was a illiquid and let me go on the May. I hope now it will be much better and let me make it asymmetrical ho gaya, so I'll go back here and I'm gonna make it 12-80. Okay, so do you think the first was better or second was better? First mein I was maximum profit position of 45 points, I was losing 17 points. Okay, versus this guy has a potential to earn 63 versus it can lose 36. So in the earlier case the ROR ratio was more than 3:1. Okay, I was expecting 3 reward and 1 risk. Versus here, it's like a 2:1. So which is better? पहला वाला ही, मैं तो 3:1 जितना risk reward. Yeah, yeah. A lot of guys will go on that कि मुझे RR ratio के हिसाब से वो ज़्यादा better होगा. Because both trade may think better because my RR ratio is better. But you mix up कि ये width नहीं था उसमें. Okay. So what happens here? Once I take a trade, I have to see two things here. So let me show you what are those two things are there. So I'm gonna open here. So guys, now normally they see the profitability because this is your profit potential versus this is how much you're willing to lose, correct? This is your risk and this is profit. Right. Versus they forget about this one. Right. So I call it a profitability of your trade. So they only focus on profitability of the trade rather than a probability also. And this is a probability. How much chances you're gonna win? Okay, so we need to balance both. We don't want to see in the isolation. Okay, so in that case, earlier 3:1 is good if you only focus on what profitability versus if you consider this trade, which is 2:1. In that case, my profitability is also balanced and my probability is also balanced here. Right, because there hardly I think 3% chances was over here and 3% here, so total 6% room was there, 6-7% if I'm correct. Versus here, I have a room of how much? I have a room of roughly, if I'm correct, 14% room. So just think of earlier it was a 6% room, a 7% room. Now it is a 14. It means I have increased the probability by almost 100%. सतोष भाई, ये बात आप हिंदी में भी वापस से रिपीट करिएगा. श्योर श्योर. तो नॉर्मली जो जनता होती है वो केवल देखती है कि मुझे कितना कमाना है कितना गंवाना है, ठीक है, बट चांसेस की स्टेट की सक्सेस फैक्टर कितना होना है, कितने चांसेस की ट्रेड आपको सक्सेस हो जाएगा वो भूल जाती है. तो आपको दोनों बैलेंस करना है. आपको बैलेंस क्या करना है कि आपको कितना कमाना वो भी बैलेंस करना है वर्सेस इस ट्रेड को मुझे सक्सेस बनाने के लिए क्या वो करना है. तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बोथ. जैसे हम मस्ती में बोलते हैं कि हमें पतला भी नहीं होना मोटा भी नहीं होना, क्योंकि आप बहुत पतले हो गए तो आपको एक हवा कुछ में आप गिर जाओगे, ठीक है, आप तो ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम. अब आप ज्यादा मोटे भी हो गए देन हमें आप एक्टिव नहीं होंगे, चल नहीं पाओगे, कुछ काम के नहीं रहोगे. सो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि बैलेंस बना, क्योंकि जितनी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए प्रॉपर. अगर इसमें आपकी हाइट ही बहुत बड़ी हो गई, देखिए आपका बॉडी बिल्कुल पतला हो गया, सो इट डजंट मेक एनी सेंस. आप बहुत मोटे भी हो गए और हाइट बहुत छोटी हो गई, दैट डजंट मेक सेंस. बट अगर आप काफी हाइट भी है और काफी चौड़े तो चलेगा, आप नॉर्मल भी हो और बैलेंस चौड़े हो तो चलेगा. सो यू टू मेक दैट अप्रोच कि ये मजबूत रहे दोनों तरफ से, हाइट के हिसाब से भी मजबूत रहे एंड वर्सेस हॉरिजॉन्टली भी परफेक्ट रहे. सही है, सही है. ये टूल है ऑप्शन ओरेकल और वेबसाइट है पासी टेक्नोलॉजी. तो आप जाइए, डाउनलोड करिए और खेलिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इसके अंदर में, डेटा डाल के समझिए कैसे वर्क करता है. और संतोष भाई तो है ही अब अवेलेबल हमारे साथ, इनका ट्विटर हैंडल भी मैं आपके साथ शेयर करूँ. संतोष भाई, आपका ट्विटर का आप हैंडल दिखा पाएंगे जहाँ लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली? या इट्स वेरी सिंपल, संतोष पासी. सो सिंपल उतना अच्छा हो, सो आई केप्ट एवरीथिंग सिंपल. हाँ, संतोष पासी. तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अरे इस वीडियो लाइव होने के बाद काफी दोस्त आपके साथ में कनेक्ट होना चाहेंगे, तो आप अगर उनको कुछ समय दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा. और दोस्तों, ये सब्जेक्ट के बारे में और आपको अगर सीखना हो तो
संतोष भाई के वेबिनार्स भी हमने काफी, दो वेबिनार इन्होंने हमारे साथ किया और 500-500 लोगों ने दोनों वेबिनार को लिया है और बहुत ही मस्त वेबिनार है। तो अगर हो सके तो आप लीजिएगा, हमारा वेबिनार का कॉम्बो ले लीजिए, तो उससे क्या ना ये मल्टीपल वेबिनार्स आपको बार बार खरीदने नहीं पड़ेंगे, एक बार में आप ले सकते हैं। और दोस्तों हम जो काम कर रहे हैं बहुत रिजनेबल है, 500 रुपये में इतना नॉलेज, फ्री में इतना नॉलेज, क्यों 30,000 रुपये देना है दोस्तों आपको, जब सब चीजें इतने से मिल रही है। हाँ लेकिन अगर आपको संतोष भाई बोलते हैं कि मैं आपको संभालूंगा, मैं मेंटरशिप करूंगा, मैं आपके साथ में हूँ, आपको हर स्टेज पे हेल्प करूंगा, सही है, फिर उनका समय आपको मिल रहा है तो आप ज्यादा पैसे भी देना चाहेंगे, बट खाली अच्छा जो इफेक्टिव नॉलेज मिल रहा है वो आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल ही रहा है, तो आप इसको अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिए। तो संतोष भाई आज का वीडियो यहीं करते हैं के साथ, और एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो आप उसका अभी से मेरे को कमिटमेंट दीजिए कि आप एक और वीडियो मेरे लिए रिकॉर्ड करेंगे मेरे साथ। श्योर, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ज्यादा लोगों को ये बोलूंगा कि ऑप्शन में बहुत डिफरेंट वेज यू कैन ट्रेड, देयर आर फ्यू गाइस दे ओनली बिलीव कि बाइंग करनी है, देयर आर फ्यू गाइस जो बोलते सेलिंग करनी है, इनफैक्ट जो बाई कर रहे हैं ऑल्सो दोज गाइस आर फॉलोइंग देयर रूल सेट, ठीक है। हमारे ट्रेड मार्केट में सोशल मीडिया पे काफी लोग है जो सपोर्ट करते हैं, एंड नॉट अ बायर बट आई डू सपोर्ट कि उनके पास लॉजिक्स है, उनके पास रूल सेट्स है, सो इफ यू फॉलोइंग दोज रूल्स स्पेसिफिकली then it will be a winner combination. Same way, अगर option selling भी करनी है तो आप selling करो but ढंग से करो, there would be certain rules. Like in life में if you want to do join some professional, तो यहाँ पे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं. You could be a car driver, you could be CEO, you could be manager, you could be doctor, you could be engineer. Everything works, okay. Same in option trading, there are a lot of things are there, a lot of variations are there. But just follow, take any one thing. बाइंग करना तो किसी एक में प्रेडिक्शन कर लो, लाइक जैसे मैंने किया तो मैं नॉन डैशिंग में ही करता हूँ, स्लाइटली बुलिश ले लेता हूँ, स्लाइटली बैरिश ले लेता हूँ। सो यू हैव टू फाइंड आउट योर नीश एरिया कि आपको करना क्या है और किसमें एक के अंदर मास्टरी करनी है, देन यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड एंड जस्ट स्टिक टू दैट, देन इन लॉन्ग टर्म इज गोना गिव यू सक्सेस। वो सिर्फ ट्राई कि आज बायर बनना है, सेलर बनना है, वो सिर्फ मुझे आज स्टॉक्स करना है, कमोडिटी करनी है, परसों मुझे करेंसी भी करनी है, देन इट विल बी अ जैक ऑफ everything and there won't be no good results versus if you just focus on एक कोई चीज पकड़ लो, कोई भी एक चीज पकड़ लो, जो खाना बनाता है संजीव कपूर, क्या खाना बनाता है, बट ही इज अगेन नंबर वन होते हैं, ठीक है, छोटी सी चीज है बट उसमें भी मास्टरी की हुई तो वो नंबर वन हुई, तो वैसे ही आपको एक चीज पकड़नी छोटी सी एंड टेक इट फॉरवर्ड एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। मार्केट में तो इतने सारे खाना कि इतने सारे खजाने की आप जस्ट घुस जाओ तो आप सीख सकते हो, बट उसमें फाइंड आउट करिए आपका निश एरिया क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, कोर फोकस क्या है, एंड जस्ट टेक इट दैट फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, माय प्लेजर। दोस्तों आपने देखा संतोष भाई का स्टाइल आपने समझा, हमने बहुत सारे वेबिनार्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए हुए दोस्तों, और मैं आपको गारंटी देता हूँ हर इंसान यहाँ पर जो हम होस्ट करते हैं हमारा पूरा ड्यू डिलिजेंस होता है, पूरा उनके साथ में वर्किंग होती है, एक भाईचारा बनता है, तब हम उनको यहाँ पर होस्ट करते हैं। संतोष भाई का देखिए आपको यहाँ पर वेबिनार भी दिखेगा, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इतने इतने मन भाव से हमको अपना वेबिनार दिया है और लोग उसको यूज कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी हमारा इस प्रयास का फायदा उठाइए। और अगर आप यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक हमको, दोस्तों मैं तो कट्टी हूँ आपसे, आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक हमको कमेंट नहीं दिया, तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और हमको और प्रोत्साहित करें। और स्टॉकेज वेब को देखना ना भूलें, ये सही मायने में इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर का ब्लूमबर्ग बन रहा है, तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए संतोष भाई थैंक यू, आज के लिए समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।